नमस्कार, रेस आईएएस के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है चंद्रयान मिशन की खोज में सहयोग हेतु हाल ही में भारत नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल हुआ है। यह टॉपिक यूपीएससी एवं यूपीपीसीएस के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान समझौते पर 21 जून 2023 को हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल का लक्ष्य 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर उतारना है। आइए आगे बढ़ते हैं और आर्टेमिस समझौते के बारे में जानते हैं। आर्टेमिस समझौता यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी तरीके से और अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन में किया जाए। वर्ष 2020 में स्थापित आर्टेमिस समझौते के संस्थापक सदस्य ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। आर्टेमिस समझौते 1967 की संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है। आइए इसके उद्देश्य पर नजर डालते हैं। विभिन्न देशों के अनुसंधान स्टेशनों, उपग्रहों, रॉकेट लॉन्चरों को बाहरी अंतरिक्ष में एक सुरक्षित और पारदर्शी वातावरण प्रदान करना, अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित अन्वेषण, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रेरित करना है। आइए नासा के बारे में जानते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है। यह एजेंसी वायु और अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत 1957 में सोवियत उपग्रह स्पुतनिक के प्रक्षेपण के साथ हुई थी। नासा की स्थापना 1958 में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी विकास में अमेरिकी प्रयासों को समेकित और समन्वित करने के लिए की गई थी। इसके संस्थापक ड्वाइट डे आइजनहावर हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इस टॉपिक से संबंधित इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द रेस आईएएस ऐप। एंड नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो एडकल में। तब तक के लिए जय हिंद।